आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी किया गया है। नया शेड्यूल भारत के लिए बेहद खास है। भारत में 15 जनवरी को पहुंचेगी ट्रॉफी, 26 जनवरी तक भारत में रहेगी ट्रॉफी। आईसीसी ने पीसीबी के मंसूबों पर पानी फेरा। यूके में ट्रॉफी टूर आईसीसी ने की कैंसिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर का नया शेड्यूल जारी किया गया। भारत में 15 जनवरी को पहुंचेगी ट्रॉफी, 26 जनवरी तक भारत में ही ट्रॉफी रहेगी। आईसीसी ने पीसीबी के मंसूबों पर पानी फेरा। यूके में ट्रॉफी टूर आईसीसी ने की कैंसिल। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ट्रॉफी टूर आईसीसी ने की कैंसिल, लेकिन अब ये नया ट्रॉफी शेड्यूल जो है उसे कैसे देखते हैं। भारत में 15 जनवरी को पहुंचेगी ट्रॉफी, 26 जनवरी तक भारत में रहेगी ट्रॉफी और आईसीसी ने पीसीबी के मंसूबों पर पानी फेरा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्रॉफी टूर का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें पहले पाकिस्तान ने एक शेड्यूल जारी किया था जिसमें वो इस सिल्वर वेयर को पीओके के कुछ इलाकों में ले जाना चाहता था, लेकिन बीसीसीआई की आपत्ति के बाद आईसीसी ने पीओके का प्लान पाकिस्तान से कैंसिल करवा दिया। आईसीसी के जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का टूर 16 नवंबर से इस्लामाबाद से शुरू होगा और जो कि 26 जनवरी को भारत में जाकर खत्म होगा। इसके बाद इस ट्रॉफी को मैच के वेन्यू यानी पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि आईसीसी ने बीते 14 नवंबर को टूर्नामेंट का सिल्वर वेयर पाकिस्तान भेज दिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके टूर का शेड्यूल के पोस्ट के जरिए शेयर किया। इस पोस्ट में बताया गया था कि टूर्नामेंट की ट्रॉफी पाकिस्तान आ चुकी है। इसके अलावा इस पोस्ट में यह भी बताया गया था कि 16 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रॉफी टूर में ये पाकिस्तान के किन किन जगहों पर ले जाया जाएगा। इनमें ऐसे भी कुछ इलाके थे जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आते हैं। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पीसीबी के इस ट्रॉफी टूर के शेड्यूल पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद आईसीसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे रद्द कर दिया था। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये तय किया गया था कि पीओके के कुछ ऐसे इलाके जहां पर ट्रॉफी टूर कराया जाएगा, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई और फिर आईसीसी ने इसे कैंसिल किया। तो आईसीसी ने ट्रॉफी का टूर भले ही आखिर में फिक्स किया हो, लेकिन ये मौका देश के लिए बेहद ही खास दिन को मिला है। आपको बता दें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सिल्वर वेयर के टूर का आगाज 16 नवंबर से होगा जो कि 26 जनवरी तक चलेगा। खास बात यह है कि ट्रॉफी भारत में 15 जनवरी को पहुंचेगी और 26 जनवरी तक रहेगी। ये दिन पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि 26 जनवरी की तारीख गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है और इस तरह से ये शेड्यूल हुआ है कि 15 जनवरी को ट्रॉफी भारत पहुंचेगी और 26 जनवरी तक यहां पर रहेगी। ट्रॉफी टूर का पूरा शेड्यूल जरा आप समझ लीजिए। 16 नवंबर इस्लामाबाद पाकिस्तान, 17 नवंबर तक्षशिला और खानपुर पाकिस्तान, 18 नवंबर एबटाबाद पाकिस्तान, 19 नवंबर मुरी पाकिस्तान, 20 नवंबर नाथिया गली पाकिस्तान, 22 से 25 नवंबर कराची पाकिस्तान, 26 से 28 नवंबर अफगानिस्तान, 10 से 13 दिसंबर बांग्लादेश, 15 से 22 दिसंबर दक्षिण अफ्रीका, 25 से 5 जनवरी ऑस्ट्रेलिया और 6 जनवरी से 11 जनवरी न्यूजीलैंड, 12 से 14 जनवरी इंग्लैंड, 15 से 26 जनवरी भारत, 27 जनवरी टूर्नामेंट स्टार्टिंग प्लेस यानी कि पाकिस्तान में ये ट्रॉफी वापस भेज दी जाएगी। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज जोशी, जिस तरह से ट्रॉफी देशों में ले जाने का शेड्यूल किया गया है, टाइमिंग वो भारत के लिए बहुत खास है। 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ट्रॉफी जो है वो भारत में रहेगी। देखिए, ये एक ओलंपिक का जो स्टाइल था, ओलंपिक मार्च रिले का, उसी को कॉपी किया गया है, क्रिकेट में भी आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अलग अलग मुल्कों में जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं
वहां पर अगर ये जाती है तो वो ऐतिहासिक महत्व काफी रखती है। और अगर आप देखें तो 17 जो शुरुआत है जो इसकी, वो तक्षशिला जो एक जगह है पाकिस्तान का, जहां जो ऐतिहासिक महत्व की जगह है, कवि सिकंदर महान ने इस जगह पर कब्जा किया था और उसके बाद इस शहर को मैसेडोनिया शहर को सौंप दिया गया था और मौर्य वंश का भी यहाँ शासन रहा। उसके बाद ये 18 नवंबर को एबटाबाद जाएगी, जहाँ आप मनोज कुमार जो भारत के बॉलीवुड स्टार रहे हैं वो यहीं पर जन्मे हैं। 19 नवंबर को ये मुरी जाएगी, जो पहाड़ों से घिरी हुई एक नगरी है, रावलपिंडी के नज़दीक है। फिर नाथिया गली जाएगी, ये भी हाइट पर एक जगह है, एबटाबाद से करीब 30-32 किलोमीटर दूर है, ये पर्यटकों के लिए बहुत यादगार जगह है। और इसके अलावा कराची जाएगी इसके बाद, जहां परवेज मुशर्रफ जो पूर्व आर्मी चीफ और पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के, वहां से ताल्लुक रखते हैं, भारत इसका जो इंडियन कनेक्शन आप कह लीजिए, सलमा आगा, मेहदी हसन, ये सब यहीं से निकले हैं, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट सोहेल अब्बास यहां से निकले हैं। उसके बाद ये अफगानिस्तान जाएगी, बांग्लादेश जाएगी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन सब मुल्कों का ये दौरा करेगी। तो ये ऐतिहासिक महत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है और ओलंपिक से होते हुए जो ये सिलसिला क्रिकेट में आया है, ये वाकई स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे आपको तमाम शहरों को देखने का, समझने का, परखने का एक मौका रहता है। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इसके बाद ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान वापस भेजी जाएगी, ये तो आपने जानकारी दे दी कि ये एक तरह से कॉपी किया गया है ओलंपिक को देखते हुए, ट्रॉफी जो तमाम कंट्रीज में भेजी जा रही है उसके बाद वापस पाकिस्तान। लेकिन क्या शेड्यूल को लेकर अगर हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल को लेकर क्या जानकारी है? पाकिस्तान में ही होगा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ऐसे में भारत का क्या रुख होगा? देखिए 22 नवंबर एक टेंटेटिव डेट है, क्योंकि पहले 11 तारीख थी, क्योंकि 100 दिन बाकी थे उसमें चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने में, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई या भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान जाने से। लेकिन अब जो है ये चैंपियनशिप जो है, या ये कहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है, अब भारत में इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब भारत क्योंकि इससे अलग हो गया है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन अब ये मामला आईसीसी और पीसीबी के बीच में है। रही बात शेड्यूल की, तो 22 नवंबर एक टेंटेटिव है और डेट है, और 22 नवंबर तक भी अगर इसका फैसला नहीं होता तो इस पर कोई ना कोई कड़े कदम उठा सकता है आईसीसी, क्योंकि पीसीबी से इनकी बातचीत अभी जारी है, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं है, बीसीसीआई ने अपना वर्जन दे दिया है, पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं उठता, हाइब्रिड मॉडल एकमात्र विकल्प है, उस पर उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही जो ट्रॉफी के शेड्यूल को लेकर, जो मैंने पहले भी आपसे समझना चाहा, क्योंकि 15 जनवरी से लेकर 26 जनवरी जो है वो भारत में शेड्यूल किया गया है, और उसके बाद फिर अगर हम बात करें 11 जनवरी न्यूजीलैंड है, 14 जनवरी इंग्लैंड है, 26 जनवरी भारत है, 15 से 26 और 27 जनवरी टूर्नामेंट स्टार्टिंग प्लेस जो कि पाकिस्तान अभी तक है वहाँ वापस इसे भेज दिया जाएगा। तो ये भारत के लिहाज से और एक तरह से, क्योंकि ट्रॉफी जीतने की तो हर किसी की इच्छा होती है, खिलाड़ी खेलते ही इसी दिन के लिए हैं, तो इस लिहाज से जब 15 से 26 जनवरी के बीच ट्रॉफी रहेगी तो कितना महत्वपूर्ण आप इस दिन को मानते हैं? देखिए भारतीय दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि भारत जो है 2013 का चैंपियन बना है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो हम चाहेंगे कि भारतवासी भी चाहेंगे, दुआ करेंगे कि 2013 का लम्हा जो है इस बार फिर से साकार हो और हम फिर से चैंपियन बने। लेकिन अभी क्योंकि गतिरोध जारी है, कहाँ होगी चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर अड़ा रहा या हाइब्रिड मॉडल का की खिलाफत करता रहा, उसके खिलाफ रहा, तो निश्चित तौर पर ये कहीं और जगह भी ले जाने का विकल्प रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जिम्मेदारी दो दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो वो पिछला चैंपियन है, क्योंकि 2017 का वो चैंपियन था, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ही नहीं हुआ, और उसके बाद दूसरा वो होस्ट है। अब होस्ट होने के नाते एक उसका कर्तव्य बनता है कि सबको साथ लेकर चले, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अड़ियल रवैया, या ये कहिए कि क्योंकि पीसीबी के चीफ जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इसलिए ये नाक की लड़ाई हो गई है, आवाम को उन्हें जवाब देना है। इस बात को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और हमारे साथ पाकिस्तान के गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। पाकिस्तान आखिरकार हाइब्रिड मॉडल को लेकर, मानने को लेकर तैयार क्यों नहीं है? और क्योंकि पीसीबी चीफ की जब हम बात करते हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वहां पर, तो क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, पॉलिटिक्स हो रही है?
जी हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो देखो है ही, क्योंकि आपकी आपने इसको नाक की लड़ाई बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे तो यहाँ ये भी लगता है कि एक तरह की एक सौदेबाजी भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान ने ऐसी गिदड़ भभकी जो है पिछली बार भी दी थी, 2023 का जो वर्ल्ड कप था, और तब भी उसने हाइब्रिड मॉडल की पाकिस्तान ने मांग की थी। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहा है, और उसी ने मांग की थी जिसे आईसीसी ने ठुकरा दिया था। और उसके बाद उन्होंने उनकी मांग थी कि ढाका में इसे आयोजित किया जाए, और ढाका से कलकत्ता की दूरी उतनी ही है जितनी दिल्ली से जयपुर की, तो आधे घंटे की फ्लाइट है। तो उसके लिए इनिशियल स्टेज पर आईसीसी भी राजी हो गया था, बाद में आईसीसी ने मना कर दिया उन्हें, और उनको यहाँ आना पड़ा। तो ये कोई दिलेरी नहीं थी उनकी, उनकी मजबूरी थी यहाँ पर आना। तो यही कुछ सिलसिला इस बार भी चल रहा है, इस बार भी नाक की लड़ाई है, इस बार सौदेबाजी का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूँ लेकिन लेकिन यही एक चीज एक बात समझने की सामने। जरूरत है मुझे लगता है मनोज जी, पीसीबी चीफ को नाक की लड़ाई आप जिसे मान रहे हैं वहां उस पर ये भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जो तमाम स्टेडियम हैं उनका कायाकल्प कराया गया है, उन्हें ठीक कराया गया है, जिसमें लगभग ये कहा जा रहा है, जानकारी दी गई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, और जो भी देश इस तरह का टूर्नामेंट या चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज कराता है या फिर जो भी मेजबान देश होता है उसे आईसीसी की तरफ से लगभग पैसे भी मिलते हैं, जो कि एक फिक्स अमाउंट है, लगभग 1800-1900 करोड़ पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से वो बनते हैं। ऐसे में अगर या तो हाइब्रिड मॉडल के लिए अगर नहीं मानता है पाकिस्तान और खुद को चैंपियंस ट्रॉफी से पीछे करता है, तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक तौर पर भी बड़ा नुकसान है ऐसे वक्त में, जब किस तरह के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं अगर हम इकोनॉमी के लेवल पर देखते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर वो इसके लिए हरजाना उसको भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है, तो इसके लिए उसका अड़ियल रवैया ही उसके लिए दोषी है ना। जी अगर इस अड़ियल रवैये को वो छोड़ेगा नहीं जब तक, तब तक ये स्थिति बदसूर ऐसी बनी रहेगी, और कोई आईसीसी कोई संवेदनशील और या भावुक नहीं होता है ऐसे मामलों में। वो एक प्रोफेशनल संस्था है, और अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, और अगर भारत का तो देखिए लॉजिकली भारत बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत या तो पहले पाकिस्तान जाता रहा और इस बार मना कर दिया हो, भारत तो 2008 से कभी वहां गया ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारत का थोड़ा सा अपर हैंड है, और आईसीसी पर उसका एक वर्चस्व भी है। 70-80% उसमें कंट्रीब्यूट करना उनकी उनके राजस्व में, तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के खिलाफ जाती हैं, और पाकिस्तान को अब समझौता करना है, और समझौता वो जानता भी है कि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है उसके पास। बस वो एक सौदेबाजी करना चाहता है कि उसे कुछ मैच मिल जाए, मैचों का होस्ट करने का मौका मिल जाए, कोई आईसीसी की इवेंट मिल जाए, और उसके लिए वो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, ये सौदेबाजी का खेल है भी फिलहाल, कुछ इससे अलग कुछ नहीं। और अगर उसने इस अड़ियल रवैया सौदेबाजी में अपना और इस लिया तो अड़ियल निश्चित तौर रवैये पर में वो भारत। पाकिस्तान को ही नुकसान होगा, जिससे पाकिस्तान शायद बाज नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी।